हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अभिषेक अग्निहोत्री, योर मार्केटिंग टीचर फ्रॉम स्प्रिंगडेल कॉलेज पीलीभीत। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। ऑलराइट, एज यू कैन अ फिगर इज देयर ऑन द स्क्रीन विच इज प्रिडिक्टिंग अबाउट द फैक्टर्स विच आर सराउंडिंग अ कंपनीज प्राइसिंग डिसीजन एंड विच आर इंटरनल इज आर मैंशनड इन इनर सर्किल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर मैंशनड इन द आउटर सर्किल ऑफ दिस फिगर। इनर सर्किल में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे दैट कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन, दीज आर द फैक्टर्स विच आर इंटरनल टू द कंपनी एंड हैव एन इफेक्ट ऑन द प्राइस। Similarly, we can observe in the figure that buyers, demand, economic condition, government, competition and supplier, all these factors are external factors which affect the pricing strategy of a company. Alright? अगर आप लोग इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा all the internal factors are somewhere in the control of management, okay, of the company. But if we observe the external factors, then this is found that these are beyond the control of company's management. Okay, we cannot have control on these factors, but try to adapt ourselves with these factors. So let us start this session. The decision related to price and pricing policies of a firm are affected by several factors present in the marketing environment. हमारे market environment में जो जो factors present हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स का प्राइसिंग पॉलिसीज पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। अ फर्म प्लान्स प्रोडक्शन कीपिंग इन द व्यू ऑफ कस्टमर्स नीड, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पिटिंग फर्म्स, बिहेवियर ऑफ सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्टेन लेजिस्लेटिव फैक्टर्स। तो कोई भी फर्म जब पॉलिसी डिसाइड करती है प्राइसिंग के बारे में तो इन सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में रखती है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जैसे कि मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे कस्टमर की नीड्स क्या है, बिहेवियर ऑफ द सप्लायर, हाउ सप्लायर इज मींस व्हाट आर द हाउ इज द रिलेशन बिटवीन अवर कंपनी एंड द सप्लायर। ओके, दीज फैक्टर्स गिव इम्पॉर्टेंट इनपुट्स टू द मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग डिसीजंस। A firm also give due consideration to these factors while determining price of the product. जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिसीजन लेती है तो भी वो ध्यान देती है कि इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स इन टू पार्ट्स। फर्स्ट विल बी इंटरनल फैक्टर्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दीज इंटरनल फैक्टर्स इन डिटेल। आफ्टर दैट we will start with external factors. Okay, so internal factors are the forces which are within the control of a firm up to a certain extent. Kuch had tak jo factors company ke control mein hote hain, those are called internal factors. The firm can regulate and change these factors as per the requirement. Company jo hai ya firm jo hai wo इन फैक्टर्स में चेंज कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, ऑल फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा नॉट ओनली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ फर्म्स ऑपरेशन बट ऑल्सो हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्ट प्राइस। ये सारे फैक्टर्स ना केवल कंपनी के काम करने पे इफेक्ट डालते हैं, कंपनी के वर्किंग मेथड्स पे इफेक्ट डालते हैं, बल्कि उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे भी इफेक्ट करते हैं। Therefore, the factors can be discussed as following. ये कौन कौन से फैक्टर हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। A firm may have various objectives and pricing contributes in achieving them. हर फर्म का कुछ ना कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है फर्म चाहती हो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, या फिर कोई फर्म पब्लिक वेलफेयर के लिए भी एम कर सकती है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म वी डिसाइड अबाउट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। Firms may pursue different objectives such as maximizing revenue, maximizing profit,
maximizing market share or maximizing the customer satisfaction. So these are the different objectives aimed by the firm. The pricing policy should be established only after clear consideration of firm's objective. तो जब भी प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में डिसाइड किया जाए तो हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकेंडली द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट. येस ऑब्वियसली द टॉप मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग अबाउट द प्राइस. ओके जब तक टॉप मैनेजमेंट कोई क्लियर डिसीजन एग्जीक्यूटिव स्टाफ को नहीं देगा तब तक वो लोग पॉलिसीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. यूजुअली इट इज द टॉप मैनेजमेंट दैट टेक्स अ फर्म्स प्राइसिंग डिसीजन. ये टॉप मैनेजमेंट ही होता है जो किसी भी फर्म की प्राइस पॉलिसी के बारे में फाइनली डिसाइड करता है. बट प्राइसिंग एक्टिविटीज आर सो क्रूशियल फॉर फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स दैट अ मार्केटिंग मैनेजर हैज टू रिमेन इन्वॉल्व विद द प्राइसिंग. The role of marketing manager is to assist the top management in pricing determination. क्योंकि जो practical situation आपके market की है उसके बारे में top management से ज़्यादा managers को knowledge होती है because they are directly in the touch with the intermediaries of your company. Okay, the participants of your company. So they assist your top management to decide about the pricing decision. Ensure that pricing take place within the policy laid down by the top management. और वो ये कोशिश करते हैं जो marketing manager हैं वो ये कोशिश करते हैं कि top management के जो भी objective हैं जो भी guidelines हैं उसी में उसी limit में रहते हुए price को set किया जाए. okay? Third factor which is internal factor is cost of product. Yes, जब आपके product को generate करने की या produce करने की cost increase होगी तो obvious सी बात है आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक राइट प्राइस डिसाइड करने के लिए. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है. जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी. इफ़ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर हाई देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट विल ऑल्सो बी हायर एंड वाइस वर्सा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपकी लेबर कॉस्ट आ सकती है, आपके वेजेज आ सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेज हैं वो आ सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अगर बढ़ गए तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. अगर मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. सो दीज ऑल फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. The firm should also fix prices that are realistic, considering current demand and competition in the market. Mm-hmm. जो market में current position है, competition को लेके या फिर prices को लेके, उसे देखते हुए आपको ऐसा price decide करना चाहिए जो realistic हो, वो बहुत ambiguous ना लगे. लोगों को ये ना लगे कि price बहुत high है, या फिर आप under pricing भी ना करें. कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट बहुत लो लगेगी तो आपका जो मार्केट में इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो कम हो जाएगी. ओके सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कैप्ट एट द लेवल विच इज़ नॉट टू लो और टू हाई. फोर्थ फैक्टर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिकेशन. जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो किसी कंपनी के स्पेसिफिक, जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है. जनरली प्रोड्यूसर्स ऐड मोर एंड मोर फीचर्स टू देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड द कस्टमर पे प्राइस फॉर देम. ओके जो कंपनी है वो कोशिश ये करती है कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स अपने प्रोडक्ट में ऑफर करे, जिससे क्या हो कस्टमर में सेटिस्फैक्शन बढ़े और उसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार रहता है. देयरफोर अ हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विल हैव मोर फीचर्स एंड एट्रीब्यूट एंड अ हायर प्राइस देन वन विच इज़ लेस डिफरेंशिएटेड. आप देखेंगे कि कस्टमर ज़्यादा पे करने में पीछे नहीं हटता, लेकिन वो क्या देखता है, प्रोडक्ट में क्वालिटी देखता है. ओके इफ़ योर फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट आर बेटर देन द फीचर्स ऑफ द कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट देन कस्टमर इज रेडी टू पे अ हायर अमाउंट ऑफ मनी. फिफ्थ
पॉइंट इज मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करते हैं. प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है प्राइसिंग को एक लिमिट में रखने के लिए. प्राइसिंग बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद द अदर एलिमेंट्स. क्योंकि चार फैक्टर होते हैं मार्केटिंग एलिमेंट में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. तो प्राइस जो फैक्टर है उसके ऊपर बाकी के बचे हुए 3 P's का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. द प्राइस शुड बी सच दैट इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑन द अदर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्राइस इस तरह से सेट करना चाहिए कि प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हुई है, प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हुई है और प्रमोशन में जो भी कॉस्ट अराइज होती है वो सारी प्राइस में कवर हो जाए और वो कस्टमर की पॉकेट को भी हैम्पर ना करे. फॉर एग्जाम्पल, अ हाई प्राइज्ड ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इन हाई एंड अर्बन शोरूम्स. जो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया जो हाई एंडिंग हाई प्राइज्ड है तो आपको वो अर्बन एरियाज में शोकेस करना चाहिए, जिससे कि उसके लिए ऐसे कस्टमर मिल जाएं जो हायर रेट पे करने के लिए रेडी. ओके, द प्रमोशन टेक्निक शुड बी टीवी एडवर्टाइजिंग नॉट पर्सनल सेलिंग. तो इसके लिए आपकी जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है वो टीवी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ना कि पर्सनल सेलिंग. क्योंकि जब आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा. ओके, नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. If the size of firm is big, then the scale of production is large. It can afford the set of lower production price and increase its sales. इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का साइज बड़ा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कैपेबल है, इसका मतलब उसके पास प्रोडक्शन के जो ऑर्डर्स हैं वो बल्क में हैं, वो बड़े ऑर्डर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को लोअर कर सकता है. आपने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग एक पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं, तो पार्ले जी आज से 10-15 साल पहले भी वो बिस्किट का पैकेट उसी वेट का 5 रुपये में बेच रहा था और अब भी उसी वेट का सेम क्वालिटी का बिस्किट 5 रुपये में बेच रहा है. लेकिन अगर दूसरी कंपनीज की बात की जाए तो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है इस कंडीशन में. लेकिन पार्ले जी के मैनेजर्स का ये कहना है कि हम लोग क्योंकि बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों की कम हो जाती है. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क में करते हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है. ठीक है, और उनकी फिक्स्ड कॉस्ट भी उसी में कवर हो जाती है. नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के कन्वीनियंट प्लेस तक पहुंचाना होता है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन जितने लंबे पाथ पे आप लोग करेंगे, जितने लंबे रूट पे करवाएंगे, उतना ही आपका एक्सपेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो आपको लोकेशन ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ से आपका टारगेट मार्केट बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हो और आप उसे टारगेट कर सकें वेरी इजीली इन अ लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहे और कस्टमर को मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल हो जाए. तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रनिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो आप प्राइस को कम ऑफर कर सकते हैं. द प्राइस एंड प्रोडक्ट साइज विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मार्केट इज लोकेटेड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. प्राइस और प्रोडक्ट का साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका मार्केट सेगमेंट जो आपने टारगेट किया है वो रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, इन द किराना स्टोर इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस वन विल फाइंड ₹1 and ₹2 शैम्पू शैशे इंस्टीड ऑफ बिग 200 ml और 250 ml बॉटल ऑफ शैम्पू. तो आप लोग देखेंगे कि शहरों में जो शैम्पू का कंजम्पशन है वो हमेशा बॉटल्स में किया जाता है, जो बड़ी पैकेजिंग होती है उसको कंज्यूम किया जाता है. तो आपके प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वो आपको उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ता है जैसी आपकी कंज्यूमर की लोकेलिटी है और जैसी आपकी प्रोडक्शन यूनिट की लोकेलिटी है. तो एक बात आप लोग ध्यान रखें कि लोकेशन आपको दोनों की देखनी पड़ती है, अपनी लोकेशन जो प्लांट की लोकेशन है वो, और साथ में आपके कस्टमर की लोकेशन क्या है. ओके, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी और प्राइस स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं.
नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गुड्स. आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप प्राइस किस तरह से ऑफर करेंगे मार्केट में. ओके जैसे इफ प्रोडक्ट इज नेसेसिटी गुड फर्म में सेट अ मॉडरेट प्राइस कीपिंग अ व्यू सोशल वेलफेयर पर्पस. अगर ऐसा प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं जो लोगों की नेसेसिटी है जिसे जरूर कंज्यूम करना ही करना है किसी को ओके तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस आप बहुत हाई तो नहीं लेकिन बहुत मॉडरेट रख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो. क्योंकि अगर आप हाई रखेंगे प्राइस तो आपका मतलब सेल तो होगी लेकिन आपकी जो गुडविल है मार्केट में वो ख़राब हो जाएगी कि मोनोपोली को आपकी कंपनी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है. ओके तो इसलिए आपको प्रोडक्ट प्राइस नेचर ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए. बट इफ द प्रोडक्ट इज़ लग्जरी गुड इन द नेचर एंड इज़ बीइंग डिमांडेड बाय हाई एंडिंग कस्टमर इट प्राइस शुड बी हाई. जैसे कि हाई यील्डिंग कार्स आप देखेंगे बहुत बढ़िया जो अच्छे फीचर्स के साथ में कार आती हैं विदाउट गियर आती हैं कई सारी और लग्जरी कार्स हैं तो उसके प्राइस आप हाई रख सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं लोगों की डिमांड होती है जिनके पास पैसा है और वो खर्च करने के लिए तैयार है. ठीक है सो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर का नेचर क्या है और आप जो गुड्स में डील कर रहे हैं उसका नेचर क्या है. नाउ द लास्ट फैक्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग इज प्रमोशनल प्रोग्राम. द एक्सटेंट ऑफ प्रमोशनल प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज ह्यूज द प्रोडक्ट विल हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा. जैसी आपकी प्रमोशनल कैंपेन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रमोशनल कैंपेन में एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे. आप जो भी प्रमोशनल चैनल सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना एक्सपेंस कर रहे हैं. ठीक है अगर मान लीजिए आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को एंडोर्स किया तो वो अपने एंडोर्समेंट के लिए भी चार्ज करेगा और बहुत हाईली चार्ज करेगा. ठीक है तो वो एक्सपेंस भी बियर करना है कंपनी को और उसे कहीं ना कहीं जो कवर करने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है दैट इज़ प्राइस. ठीक है अगर मान लीजिए कोई होटल इंडस्ट्री है और वो एसी रूम्स ऑफर कर रहा है सारा एनवायरनमेंट एसी है तो क्या होगा तो उसके केस में उसे प्राइस भी उसी तरह से रखने पड़ेंगे. एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए आप जो होल्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो जो पॉज लोकेशन पे होल्डिंग रखने का चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नैरो स्ट्रीट्स. जो पतली गलियां होती हैं उसकी चार्जेस कम होते हैं और जो पॉज एरियाज होते हैं वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं. तो आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी भी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होगी. ओके सो गाइस दीज वर द इंटरनल फैक्टर्स विच हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क दैट इन कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.